everyone, how are you all? So guys, this is Nidhi Dhruv. I'm a law graduate and a company secretary. I welcome all of you to this wonderful platform of Anna Academy, and I welcome all of you to my today's class, current affairs class of weekly current affairs. Okay, so as I promised, every week I'll be bringing two parts of current affairs, weekly current affairs for you all. I hope first part of weekly current affairs, that is 14th to 16th October ke current affairs, I hope it has helped you. And now here it is, weekly current affairs part 2 for you all, wherein I'll be covering 17th to 19th of October. Okay. So yeah, let's go ahead with it. So basically weekly current affairs, aapko ek अगर आपने डेली करंट अफेयर्स देखे हैं तो बेस्ट है, उसके ऊपर आपको रिवीजन देंगे. और जिसने डेली मिस किए हैं, रोज नहीं टाइम मिल रहा है, तो वीकली करंट अफेयर्स देख लेने से भी उनको काफी काफी हेल्प हो जाएगा. ठीक है, सो गोइंग अहेड लेट अस बिगिन. हम लोग हमारे पूरे वीक के मतलब करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जिसमें तीन तीन दिन को ब्रेक करके देख रहे हैं. 14 टू 16 अक्टूबर के आप ऑलरेडी देख चुके हो, अभी हम लोग 17 टू 19 अक्टूबर स्टार्ट कर रहे हैं. The first important news for you all from this 3 days current affairs is this. Guys, private projects. आपको नाम से समझ में आ रहा है, private projects means it's not of government. Private companies, private bodies जो है like Reliance, you know, Infosys और आप जो भी private company समझ लो, which is not government, वो private होती है, correct? तो investment बहुत अच्छा हो रहा है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में. प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में फॉरेन से बोलो, इंडिया भर से बोलो, बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स वो लोग रिसीव कर रहे हैं. क्वार्टर 2 में ये देखा गया. ठीक है, सो हाउ द क्वार्टर वर्क्स ये आपको समझा देती हूँ. तो बेसिकली क्वार्टर 2 इज जुलाई टू सितंबर. ओके, सो अप्रैल मई जून ये फर्स्ट क्वार्टर होता है. सो फिनेंशियल ईयर जो होता है ना, उस हिसाब से क्वार्टर्स होते हैं. तो फर्स्ट क्वार्टर इज बेसिकली अप्रैल टू जून, सेकेंड इज जुलाई टू सितंबर. अक्टूबर टू दिसंबर इज थर्ड वन, एंड फोर्थ क्वार्टर इज जैन टू मार्च. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्वार्टर. जुलाई टू सितंबर में बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स रिसीव किए हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट्स ने. ठीक है, द टेबल देखिए, मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देती हूँ, आपको नहीं अगर दिख रहा है तो. सो टेबल इज द नंबर वैल्यू एंड द चेंज इन वैल्यू ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स अनाउंस सो फार इन फाइनेंशियल ईयर 2023. तो फाइनेंशियल ईयर 2023 जो कि नेक्स्ट ईयर आने वाला है, उसमें कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कितने रुपीज के, ये सब चीज बताया गया है. तो हर सेक्टर वाइज बताया है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सर्विसेज, यूटिलिटीज, इरीगेशन एंड ऑल सेक्टर्स मिलके कितना हो रहा है. पैसा भी आपको समझ में आ रहा है, दिस इज अबाउट मनी. चेंज इन वैल्यू मतलब पहले के मुकाबले कितने बढ़ रहे हैं, एंड प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ये चीज. ठीक है, तो ये चीज आपको बताया गया. ठीक है, आगे मैं आपको दिखा दूं. सो इंडियाज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट सोर्ड 66% बिटवीन जुलाई एंड सितंबर टू नियरली 5.7 लाख करोड़ कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022-23. फर्स्ट क्वार्टर क्या था, अप्रैल टू जून. तो अप्रैल टू जून के मुकाबले 66% ज्यादा सेकेंड क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट देखने को मिले. ओके, इवन एज देयर वाज अ वॉरिंग डिप इन द एग्जीक्यूशन रेट फॉर आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कमिटेड टू. सो ये एक चीज था कि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स कमिट हुए हैं उसमें पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो आउटस्टैंडिंग अभी बाकी है काम, वैसे प्रोजेक्ट्स और उसकी मतलब ड्यू डेट आ गई फिर भी बाकी, ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं. इसके कारण एक वरिंग डिप था, यू नो, बट फिर भी ये जो नंबर्स दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं. ठीक है, तो द फर्स्ट क्वार्टर क्वार्टर ऑन ऑफ द ईयर हैव रिपोर्टेड 20.5% सिक्वेंशियल डिप इन न्यू इन्वेस्टमेंट. तो नए इन्वेस्टमेंट में 20.5% जितना डिप था और उसके मुकाबले अभी 66% जितना ज्यादा हो गया. ठीक है, सो इट वॉज बूस्टेड बाई सुपर मेगा प्रोजेक्ट लाइक वेदांता 1.454 लाख करोड़ प्लान टू प्रोड्यूस चिप्स इन गुजरात. तो हमने एक बार इस चीज का एडिटोरियल जब भी मैं डेली न्यूज पेपर कराती थी गाइज,
तभी मैंने एक एडिटोरियल पढ़ाया था अबाउट द चिप्स. जापान एंड साउथ कोरिया इज द बेस्ट राइट नाउ एंड ताइवान चिप्स प्रोड्यूस करने में. और ये चिप्स मतलब ये फोन की चिप्स समझ लो, हमारे हमारे लैपटॉप की, हमारे रोबोट्स की, ये चिप्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो चिप्स मतलब खाने वाली चिप्स नहीं है, ये एक छोटी चिप जो मतलब सुपर काम करती है, सुपर काम करती है. तो वेदांतास का एक प्रोजेक्ट है जो गुजरात में आ रहा है, इतने बड़े लेवल का, वो ही सबसे बड़ा तो जंप लाया है ये क्वार्टर टू इन्वेस्टमेंट में, ठीक है. एंड 41% जंप इन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट मॉनिटरिंग फॉर्म प्रोजेक्ट टुडे से, ओके. तो जो एक 41% जितना जंप सीधा सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के कारण ही मिला है, ये बताया जा रहा है. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट वन गाइज, ध्यान में रखिएगा, इसे लिखने की जरूरत नहीं है हालांकि, ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम योर वीकली करेंट अफेयर्स इज दिस गाइज. सो गाइज, तमिलनाडु जो है ना, इट रेजेज अ कंसर्न ओवर प्रेजेंस ऑफ चाइनीज ट्रूप्स इन श्रीलंका. तो चाइना वाले थोड़े खतरनाक तो है ही, हमें मतलब एवरीबडी फील्स दैट, आई एम वेरी श्योर. लद्दाख में वो लोग ने एक तो नाक में दम कर रखा है, ऊपर से इतने एक दो जगह से डिसंगेजमेंट कर लिया, बट इतनी जगह पे फैल के बैठे हैं कि हमें हमारे मतलब लद्दाख बॉर्डर पे तो डर लग ही रहा है. अभी उन्होंने क्या किया है, तो आपको ये पता होगा कि चाइना एंड श्रीलंका दे आर गुड फ्रेंड्स गाइस, ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं. एंड श्रीलंका भी वीक सिचुएशन में है, जितना हमसे भी उन्होंने श्रीलंका ने लोन वगैरह लिया है या पैसा लिया है, उसी तरीके से चाइना से भी लिया है. तो श्रीलंका कहीं ना कहीं दबाव में है चाइना के, ओके. और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी चाइना के श्रीलंका में चल रहे हैं. तो श्रीलंका एज सच चाइना के आवाज खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती, बट हाँ वो इंडिया के अगेंस्ट भी जाके हेल्प नहीं कर सकती चाइना को, ये भी है. तो वो डिप्लोमेसी रखती है और चुपी रहती है. बट श्रीलंका की हमारी बॉर्डर पे आती है राइट साउथ में, एंड श्रीलंका के वाटर्स में अगर चाइनीज ट्रूप्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो उसका सीधा थ्रेट किसके होगा, हमें होगा राइट. सो तमिलनाडु जो कहीं ना कहीं श्रीलंका से बॉर्डर शेयर करता है, इट रेजेस कंसर्न ओवर प्रेजेंस ऑफ चाइनीज ट्रूप्स इन श्रीलंका. बोल रहे कि बहुत सारे चाइनीज ट्रूप्स श्रीलंका में है, और एक इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, ये खतरनाक बात है. तो उन्होंने ये चीज़ बताया है, ठीक है. सो बहुत सारे PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, वो वाले लोग श्रीलंका में दिख रहे हैं, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है हमारे लिए. एन अलर्ट इश्यूड बाय द स्टेट्स इंटेलिजेंस एजेंसी अ फ्यू डेज अगो सेड द एक्टिविटीज ऑफ चाइनीज इन द नेबरिंग कंट्रीज अ कंसर्न टू नेशनल सिक्योरिटी एंड कॉल्ड फॉर इंटेंसिफाइड विजिल अलॉन्ग द कोस्ट लाइन. तो हमारी तमिलनाडु की कोस्ट लाइन और बेसिकली जो भी बॉर्डर पे लगती है श्रीलंका के साथ पानी से, उस स्टेट्स में हमें बहुत ज़्यादा विजिलेंस बढ़ा देना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा. चाइना का भरोसा नहीं कभी कहाँ से अटैक कर लेगा. तो ये चीज़ बताया हुआ है इंटेलिजेंस एजेंसी ने, आप देख रहे हो यहाँ पे. तो ये चीज़ है इस तरीके से. देखिए, चाइनीज नेशनल्स हैड एंटर्ड इंडिया वाय सी रूट, सी रूट से ये लोग इंडिया में एंटर हो रहे हैं ऐसे. तो दैट्स रियली नॉट गुड फॉर आस, ओके. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे जो कि ये है गाइज, अबाउट कोल माइंस, ओके. सो कोल माइंस ऑब्वियसली एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. कोल माइंस इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एंड अच्छी खासी कोल माइंस है इंडिया में, ओके. हमारे पास बहुत अच्छी खासी कोल माइंस है, बट यहाँ ये बोला जा रहा है कि हमारी इंडिया की जो कोल माइंस है ये सीवियरली अंडर यूटिलाइज्ड है. मतलब उसमें जो कैपेसिटी है, हम जितना कोल यूज कर सकते हैं उसका मतलब हम कुछ भी यूज नहीं करते. सीवियरली अंडर यूटिलाइज्ड, दैट वर्ड दे हैव यूज्ड amid like push for new ones, okay. So India का जो coal mines है severely underutilized है. तो और ऊपर से new ones लेके आओ, new mines ढूंढो, new खोद काम करो, ये चीज़ का push चलते रहता है. But जो already जो mines है उसको utilize ही नहीं किया ढंग से, ये चीज़ इधर बताया जा रहा है, ठीक है. मैं इधर zoom करके आपको ज़रा पढ़वाती हूँ पूरा चीज़, ठीक है.
oops, 1 second, sorry. So though the country experienced supply crunch twice last year. अच्छा, हमारा कोल का सप्लाई में बहुत इश्यू आ गया था दो बार लास्ट ईयर. ऐसा था कि पूरी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, ऐसी हालत हो गई थी. सो रिपोर्ट सजेस्ट न्यू प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट कुड बी अननेसेसरी. जो नए प्रोजेक्ट्स ला रहे कोल के वो जरूरी है ही नहीं. एज ओनली 2/3 ऑफ द करंट कैपेसिटी इज अंडर यूज. सो जो करंट कैपेसिटी है सिर्फ उसका 2/3 ही हमने यूज किया है, 1/3 तो बाकी है. तो वो पहले यूज करो, जरूरी ही नहीं है हमें ये वाला ज्यादा यूज करना. क्या बोलते हैं, नए नए यू नो जो साइट्स ढूंढ के वहां पे माइनिंग करना ये जरूरी ही नहीं है. तो ये बताया जा रहा है. सो गाइस देखिए, ऑन एवरेज इंडियाज कोल माइंस यूज ओनली 2/3 ऑफ द कैपेसिटी विद सम लार्ज वंस यूजिंग ओनली 1%. कुछ कुछ लार्ज कोल माइंस तो सिर्फ 1% अपनी कैपेसिटी का यूज करती है. ये किसने बोला है? देयर इज एन एनालिसिस बाय ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, उसने ये बताया है. अ फर्म दैट ट्रैक्स यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्यूल सोर्स इंटरनेशनली. तो एक फर्म है इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, कितना हम लोग यू नो यूटिलाइज करते हैं फ्यूल सोर्स, उसकी वो हिसाब रखती है ये फॉर्म. उसने बोला है कि हम कुछ कुछ फॉर्म्स तो जितनी बड़ी बड़ी है 1% हार्डली उसका यूज़ कर रहे हैं, कुछ में 2/3 जितना यूज़ कर रहे हैं, हम लोग कर ही नहीं रहे उसकी कैपेसिटी जितना. तो फिर नई नई साइट्स को ढूंढने का मतलब ही नहीं बनता है. तो ये चीज़ है गाइस, ठीक है. तो ये रिपोर्ट के किसने लिया है ये आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा, मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, ठीक है. देख लीजिए ये वाला ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर, ये फॉर्म ने ये रिपोर्ट दिया है, ठीक है. 2/3 और कुछ कुछ तो ओनली 1% ही यूज करती है. तो बेसिकली ये आपको लिखना होगा, ठीक है. सो बोल रहे कि 99 इंडियाज कोल माइंस प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड टू यील्ड 427 मिलियन टन्स पर एनम अंडर डेवलपमेंट आर अननेसेसरी. तो बोल रहे कि हमारे 99 जितने तो कोल माइन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ओके, और 427 मिलियन टन हमें चाहिए. तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स की जरूरत भी नहीं है. तो उसमें नए तुम ढूंढने जा रहे हो तो एकदम ही फालतू चीज है, जरूरी ही नहीं है, ये बात हो रहा है इधर, ठीक है. सो JEM ने जब किस पे रिपोर्ट बनाया, बेसिकली कोल इंडिया लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है हमारे इन द वर्ल्ड, हाँ, कोल इंडिया, ये याद रखना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड. कौन है? कोल इंडिया. तो इसका फिर उसकी सब्सिडरीज का और सबका इन्वेस्टिगेशन किया और रिपोर्ट बनाया है. चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे गाइस. एक रिपोर्ट, एक फिनेंशियल रिपोर्ट क्रिएट किया गया इंडिया का, और एक बहुत अच्छा न्यूज ये रिपोर्ट बता रहा है. क्या न्यूज एग्जैक्टली बता रहा है गाइस? सो इंडिया हैज पोटेंशियल टू अट्रैक्ट $475 बिलियन. दैट्स अ ह्यूज अमाउंट गाइस. सो इंडिया हैज पोटेंशियल टू अट्रैक्ट $475 बिलियन इन FDI इन 5 years. तो नेक्स्ट 5 years में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब फॉरेनर्स, फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इंडिविजुअल्स हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और उसमें उनको अच्छे खासे राइट्स मिलेंगे, उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो नेक्स्ट 5 साल में इंडिया के पास पोटेंशियल है कि हम $475 बिलियन जितना FDI फॉरेन का पैसा इंडिया में ला सके. दिस इज अ बिग थिंग. किसने ये रिपोर्ट दिया है गाइज? तो ENY, अर्नेस्ट एंड यंग, जो एक बिग 5 में कंसिडर होती है फिनेंशियल कंपनीज में, तो उन्होंने ये दिया है, ठीक है. एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII एंड CII, इन दोनों ने मिलके ये रिपोर्ट बनाया है, ठीक है. सो ये एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है. बेसिकली हमने फिनेंशियल 21-22 में FDI इन्फ्लो था हमारा $84.8 बिलियन. दैट्स ऑल्सो सुपर, बहुत अच्छा FDI इन्फ्लो. बट एट द सेम टाइम, हाँ, इन्फ्लेशन,
वर्ल्ड वाइड क्राइसिस, कोविड के कारण काफ़ी जगह पे पैंडेमिक, ये वो, हम काफ़ी चीज़ों से जूझते हैं, इसके वजह से दिखता नहीं, बट डेफिनेटली हमारा इकोनॉमी बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर, एंड इट्स इट हैज़ अ गुड गुड पोटेंशियल. सो दिस इज़ द थिंग, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, द हेडलाइन एंड किसने ये रिपोर्ट बनाया चीज़, ठीक है, ये वाला चीज़. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज हम देखेंगे इज दिस, गाइज गिव मी अ मोमेंट. सो गाइज ये एक न्यूज, जस्ट एक इसका रफ आइडिया रखना है, बहुत डिटेल में नहीं चाहेंगे, बट रफ आइडिया रखना है. PLA मतलब पब्लिक लिबरेशन आर्मी जो है, पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की जो है ना, PLA चाइना की आर्मी, उनके ऑफिसर जो गलवान क्लैश में थे, गलवान क्लैश में जो इन्वॉल्व थे PLA वाले ऑफिसर, उन्होंने पार्टी कांग्रेस की मीटिंग अटेंड की है. यह ना एक चीज़ दिखाता है गाइज आपको, ये मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि अभी वापस चाइना में भी इलेक्शन आ रहे हैं, 10 साल ऑलमोस्ट जिनपिंग ख़त्म कर चुके हैं, एंड ऐसा बोला जा रहा है शायद वो वापस आएंगे. तो गलवान क्लैश में जो आदमी इन्वॉल्व थे, जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इंडिया के साथ क्लैश करने में, वो लोग कांग्रेस पार्टी मीटिंग, वहाँ की मतलब पार्लियामेंट की मीटिंग्स भी जाके अटेंड करते हैं. दैट मीन्स जो अटैक गलवान वैली में हुआ वो जस्ट आर्मी के बीच में नहीं हुआ, ये नेशनल लेवल पे ऑर्डर किया हुआ चीज था, मतलब चाइना ने ये ऑर्डर किया. दिखता है कि वो उनके ऑफिसर्स, गलवान क्लैश वाले ऑफिसर्स पार्टी कांग्रेस जाके अटेंड करते हैं, तो दैट मीन्स वॉट, ये दिखाता है कि वो लोग पॉलिटिकली ये वॉर कितना इन्फ्लुएंस था 2020 में जो गलवान क्लैश हुआ था वो. ओके, सो कमांडर क्यू फुबाओ वॉज अमॉन्ग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइनाज 2 to 96 कैड डेलीगेट्स. तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ की, जिनपिंग वाली पार्टी, उसके जो 2 to 96 डेलीगेट्स है उसमें से एक है ये कमांडर जो गलवान क्लैश में इन्वॉल्व था, फ्रॉम अराउंड द कंट्री, अ पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट मूव दैट इज मेंट टू सेंड अ सिग्नल बोथ एट होम एंड अब्रॉड. तो ये कितने स्ट्रॉन्ग है वहाँ की आर्मी पर्सन भी. जनरली आप यहाँ हमारे इंडिया में ऐसा नहीं देखोगे, नन ऑफ आर आर्मी ऑफिसर्स और कितने भी हाईएस्ट रैंक ऑफिसर्स हैं, ना ही हमारे बिपिन रावत जी जो CDS थे, न्यू CDS भी, या कोई भी हमारे आर्मी के हेड, नेवी के हेड, एयरफोर्स के हेड, नोबडी इज देयर इन द पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा मेंबर या लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स एट प्रेजेंट हो लो है. तो वेन आर्मी में जो सर्व कर रहे हैं वो खुद पार्लियामेंट के मेंबर है, ये एक बहुत बड़ा चीज पूरे कंट्री में, चाइना में एंड वर्ल्ड को मैसेज देता है कि वहाँ की आर्मी का क्या स्टेटस है. समझ रहे हो आप लोग, ठीक है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग करेंगे, ओके, जो कि है केरला गवर्नर के बारे में गाइस, ओके. मैं ये एक न्यूज़ आपको कराने के पहले, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं क्विकली आप लोग को इंट्रोडक्शन करा दूँ मेरा और अन एकेडमी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स का गाइस. बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी भी बाकी है, दिस सेशन इज वन आवर लॉन्ग और उसमें मैं पूरे वीक के करंट अफेयर्स का आज पार्ट टू करा रही हूँ, दैट इज 17 to 19 अक्टूबर आपको करा रही हूँ. तो बहुत सारे न्यूज़ बाकी है, कहीं जाइएगा मत, जस्ट 2 मिनट फटाफट से आपके काम की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताने वाली हूँ, सुनिएगा ध्यान से. सो गाइज, आई एम निधि ध्रुव, आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अकाउंटिंग सेक्रेटरी, हैविंग 8+ years एक्सपीरियंस इन टीचिंग फॉर वेरियस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स. I was earlier associated with IMS Learning Resources. I'm still associated with CS and Cost Accountant Institute, where I teach law subjects to CS and Cost Accountant students. And I really love interacting with all the lovely students like you all and sharing my knowledge. So that's me, guys. What are we doing? We are doing weekly newspaper analysis. Newspaper analysis, that is weekly. Okay. An academy, a good platform, guys. Trust my words. Jisne bhi abhi tak join nahi kiya, give it a try. Free mein download hota hai. Kya problem hai? डाउनलोड अन एकेडमी लर्निंग ऐप, इसके ऊपर फ्री और पेड दोनों क्लासेस हैं. तो फ्री क्लासेस जितने दिन चाहिए, जितने महीने चाहिए अटेंड कीजिए, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेस आप अटेंड कीजिए, और फिर आप देखिए आपको अगर एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो फिर जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्लस या तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो फॉर अटेंडिंग द पेड क्लासेस.
बेसिकली पेड क्लासेस अटेंड करने से क्या होता है ना गाइज, सिस्टमैटिक वे में आपका सिलेबस कंप्लीशन होता है, ठीक है। सो दीज आर द प्राइजेस फॉर सब्सक्रिप्शन, जिसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, ओके, ये प्राइजेस पे, इफ़ यू यूज माई कोड नीदी लाइफ, ओके। एंड दीज आर अकेडमी लर्नर्स मेड टू टॉप एनएलयू, आई होप यू गाइज डू इट टू। एंड इसके लिए हर वीक हम नए नए बैच लाते हैं, ये वीक हम ये बैच स्टार्ट किए हैं 20th October से। इट्स अ क्रैश कोर्स फॉर क्लैट एंड यूलिट December 2022 एस्पिरेंट्स, ठीक है। और लीगल रीजनिंग के लिए स्ट्रैटेजी बैच है ये, जो 12 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। प्लीज़ जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया करिए, हेल्प होगा। जीके एंड करंट अफेयर्स का भी एक बैच है, ठीक है, जो 13 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था। आज मेरी कौन सी फ्री क्लास हो रही है, तो आज वैसे तो ये रिकॉर्डेड सेशन आप लोग देखने वाले हो, साउंड विंडो भी लाइव, तो आपको ये बता के मतलब नहीं है। बट या एवरी ट्यूजडे थर्सडे आई टेक करंट अफेयर्स क्विज क्लास गाइज, फ्री क्लास है ये मेरी अन अकेडमी पे। एंड एवरी फ्राइडे सैटरडे मैं बैकलॉग क्लास कराती हूँ, तो आप लोग फ्राइडे और सैटरडे जब ये सेशंस देखोगे मेरे, तभी मैं बैकलॉग क्लास 8:30 से 9:30 इवनिंग में अन अकेडमी पे कराऊंगी, ठीक है। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट गाइज, क्लैट वाला हो गया, बट एलर्ट वाला 29 अक्टूबर को 11 बजे सुबह होने वाला है, ज़रूर दीजिएगा। एंड दिस इज अ फ्री क्लास सीरीज, स्पेशल क्लास मतलब मुफ्त फ्री क्लास गाइज। सो ये अगर आपने अटेंड नहीं किया तो ज़रूर इसका रिकॉर्डिंग वगैरह देखिएगा। एंड अन अकेडमी क्लैट यूट्यूब चैनल जिसमें आप मुझे अभी देख रहे हो, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। एंड ये वाला मेरा सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा प्यार दिखाइए, थोड़ा मोटिवेशन दिखाइए, ओके। एंड शेयर भी कीजिएगा आप लोगों का अगर अच्छा लगे। एंड दिस इज माई टेलीग्राम चैनल गाइज, ये जो आपको मैं न्यूज़ पढ़ा रही हूँ वो उसका PDF मैं शेयर कर दूंगी वंस योर सेशन गोज लाइव, फिर मैं कर दूंगी आपको टेलीग्राम पे शेयर। तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, इसके ऊपर फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस, सभी चीज़ों की अपडेट मिलेगी। कोई सब्सक्रिप्शन पे ऑफर आता है तो उसकी भी अपडेट मिलेगी, तो ये चैनल मेरा ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, अभी हम लोग क्विकली आगे बढ़ते हैं हमारे आगे के और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, ठीक है, ओके। चलिए, सो गाइस, हम लोग हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में रहते हैं, ठीक है। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ इट वर्क्स, चलो थोड़ा समझते हैं, फिर मैं आप लोगों को ये चीज़ के बारे में, ये न्यूज़ के बारे में समझाऊंगी, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट सा है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड अच्छे से समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ इट वर्क्स, अगर हम लोग सेंट्रल लेवल पे देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो प्रेसिडेंट और PM एंड उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, ये लोग साथ में मिलके अच्छे से वर्क करते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ गवर्नर, CM और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, ये लोग साथ में मिलके वर्क करना होता है पीसफुली कंट्री चलाने के लिए। होता क्या है, प्रेसिडेंट लगभग अभी जैसे अभी BJP गवर्नमेंट है और BJP की अच्छी खासी सीट्स थी और BJP का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस दूसरे भी स्टेट्स में था कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में उनके ही चॉइस के प्रेसिडेंट आए, तो बहुत पीसफुली हम लोग ने आज तक कोई टिफ प्रेसिडेंट और PM के बीच में नहीं देखी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में नहीं देखी। बट आए दिन गाइज हम लोग टिफ देखते रहते हैं गवर्नर और CM के बीच में और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, आई लिव इट हैपेंस इन तमिलनाडु, इट हैपेंड RN रवि जो नीट वाला बिल नहीं पास कर रहे थे गवर्नर और MK स्टालिन वगैरह बहुत नाराज थे इससे। देन कोलकाता में हमें बताया जब ही जगदीप धानकर जी जो गवर्नर थे, अभी तो वो वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं कंट्री के, तो जगदीप धानकर और ममता बनर्जी के बीच में पूरा दिन ऐसे लगता था हाथापाई होना बाकी है, इतना झगड़ा। ये बहुत फेमस है गाइस पुडुचेरी में, किरण बेदी और वहाँ के जो CM थे तभी, उनके बीच में भी लगातार फाइट, पब्लिकली एक दूसरे के बारे में इतने खराब स्टेटमेंट बोलना, ये सब चलता रहता था। तो सिमिलर थिंग इज गोइंग ऑन इन केरला, ये ज़्यादा करके क्या होता है प्रॉब्लम, गवर्नर अपॉइंटेड होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब जो रूलिंग गवर्नमेंट है, अभी BJP है तो उन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया है, और स्टेट में कोई और पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वो जगह चलता ही रहेगा, उनके व्यूज मिलेंगे।
हाँ जहाँ जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ तुम लोग गवर्नर और उनके बीच में झगड़े नहीं देखोगे। अभी देखो एकनाथ शिंदे की और बीजेपी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में आ गई है तो भगत सिंह कोश्यारी और गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़े नहीं है, बट जब महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट थी तो चलते ही रहते थे एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स। उत्तराखंड में आप ये नहीं देखोगे, यूपी में नहीं देखोगे झगड़े, बिकॉज वहाँ ऑलरेडी सेंट्रल में जो है गवर्नमेंट है वही पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट में बनी हुई है। तो ये फंडा है। तो ये गवर्नर और सीएम के बीच में प्रॉब्लम चलते रहता है। या केरला की अगर हम बात करें तो केरला के गवर्नर इज आपको पता है आरिफ मोहम्मद खान, और वहाँ के वहाँ की गवर्नमेंट है जो है सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज पिनारायी विजयन एंड ऑल। इनके बीच में आए दिन प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। दो बड़े रीजन थे प्रॉब्लम के, ठीक है। सो हायर एजुकेशन को लेके जो एक बिल था उसके बारे में, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम के बारे में यहाँ में लाइक मेजरली मेंशन करा हुआ है, ठीक है। सो ये एक था, और सेकेंड एक लोक आयुक्त बिल के लेके था। ये दोनों के बीच में तो अभी भी ये दो प्रॉब्लम है ही, लोक आयुक्त के को लेके एंड सेकेंड ये यूनिवर्सिटीज लॉज बिल। अभी मैं समझाती हूँ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ हमें यूनिवर्सिटी लॉज बिल के बारे में ही बात हूँ करनी है, पर मैं एक लोक आयुक्त वाला भी आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ, आपको समझ आएगा। तो कैसा हुआ ना, केरला में लोक आयुक्त जो होता है बेसिकली कोई भी करप्ट ऑफिसर्स है, कोई भी करप्शन किसी ने किया है पूरे स्टेट में, तो उनको पनिश करने का, उनके केसेस सुनने का काम लोकायुक्त करे। तो रूलिंग गवर्नमेंट जो पिनारायी विजयन की है, उन्होंने क्या रूल ला दिया, मतलब खुलेआम कि अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना वो इसके स्कोप से बाहर रहेगी। अरे गवर्नर बोलते हैं कि भाई तुम लोग ही रूलिंग गवर्नमेंट हो, तुम लोग के तो करप्शन करने के सबसे हाईएस्ट चांस है। हाँ मतलब जो गवर्नमेंट है, जिस जो पावर में है, वो और उसके मिनिस्टर्स कितना करप्शन करेंगे, और तुम ही लोग आयुक्त के स्कोप से बाहर चले जाओगे, तो ये तो फेयर नहीं है, ये तो जरा भी ठीक बात नहीं है। तो इसको लेके लोकायुक्ता का ये जो अमेंडमेंट लाना था पिनारायी विजयन को, आरिफ मोहम्मद खान ने इसके लिए अप्रूवल दिया ही नहीं, तो इसके लिए झगड़ा। अभी सेकेंड ये जो हम लोग को आज ये वाला टॉपिक करना है यूनिवर्सिटीज लॉज बिल वाला, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको समझाती हूँ। तो गाइस क्या होता है ना कि जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है तो ज्यादा करके वहां आप लोग देखिएगा, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी पकड़ लो, हर स्टेट में आप देख लो, वहाँ चांसलर मतलब हेड ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी कौन होते हैं, स्टेट के गवर्नर ही होते हैं ज़्यादा करके मेजॉरिटी केस में। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं किया है कि गवर्नर ही चांसलर होंगे, बट हाँ बहुत सारे डिसीजंस आए हैं के कोर्ट के, और ये प्रैक्टिस में सालों से कस्टम के तौर पर फॉलो किया जाता है। केरला में पिनारायी विजयन की गवर्नमेंट ने ये चीज़ चेंज कर दिया, उनको आरिफ मोहम्मद खान को एज अ गवर्नर निकाल दिया। ये तो मामला दो साल से ऑलमोस्ट चल रहा है, ओके। और फिर उनको, और उन्होंने अमेंडमेंट ला दिया इस चीज़ में कि इसमें जो भी कैबिनेट मेंबर्स, गवर्नमेंट के कैबिनेट मेंबर्स जो डिसाइड करेंगे, वो नाम गवर्नर को मानना होगा, और गवर्नर को बस ऑफिशियली चांसलर को अपॉइंट करने का काम करना होगा। आरिफ मोहम्मद खान बोलते कि ये मैं मानने के लिए रेडी नहीं हूँ, मतलब हर जगह ये चलता है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है कि चांसलर यही होने चाहिए। चलो मैं ना हूँ, बट फिर भी आप लोग ही बताओ, वही आदमी चांसलर रहे तो वो तो ठीक बात नहीं। तो चलो ऐसा करते हैं हम लोग कि एक तीन मेंबर का कमेटी बना देते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या बोला कि लेट्स मेक थ्री मेंबर कमेटी, और वो लोग जो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से चांसलर अपॉइंट होंगे। तो इसमें गवर्नमेंट का कोई भी, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है केरला गवर्नमेंट, उसके कोई भी मेंबर नहीं होंगे। तो स्टेट ने फिर, ये स्टेट गवर्नमेंट पिनारायी विजयन वाली गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ये तीन मेंबर में दो और मेंबर कर देते हैं, ठीक है, और इसमें हायर एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो, और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर जो है
दोनों ही गवर्नमेंट के मेंबर होते हैं, उनको ऐड कर दो और बाकी तीन मेंबर तुम जो बोल रहे हो वो, और फिर वो पांचों मिलकर डिसाइड करेंगे कौन चांसलर होगा, ये चलेगा? तो इसमें भी ना बोल दिया, आरिफ मोहम्मद खान ने बोला कि नहीं ये भी नहीं चलेगा, वो अप्रूवल दे ही नहीं रहे यूनिवर्सिटीज लॉस बिल को। तो इसको लेके यू नो हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु है, उन्होंने रिमार्क कर दिया उनके बारे में, कुछ खराब कमेंट कर दिया। तो कैबिनेट मेंबर्स गवर्नर की डिग्निटी या गवर्नर की ऑफिस की डिग्निटी कम नहीं कर सकते, उसके खिलाफ मैं एक्शन ले सकता हूँ, मैं तुम लोग को निकाल भी सकता हूँ पोस्ट पे से, ये आरिफ मोहम्मद खान ने गवर्नर ने धमकी दे दी और ये जंग छिड़ गई। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला, ये कमेंट क्या किया था हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु ने बोला कि अगर ऐसा ही मामला है कि आप नहीं अग्री करते हो तो प्रेसिडेंट को भेजो आप कंट्री के, आप खुद सब में क्यों डिसीजन ले रहे हो, ओवर स्मार्ट क्यों बन रहे हो, प्रेसिडेंट को भेज क्यों नहीं देते, ऐसे सब कमेंट किया आरिफ मोहम्मद खान की, आपको नहीं करना चाहिए, प्रेसिडेंट को भेज दो, आपको आपको नहीं समझ में आता है। तो ये चीज़ को लेके प्रॉब्लम हो गई, ये चीज़ के बारे में ये पूरा न्यूज़ है गाइस, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इन एन ऑफिशियल ट्वीट मिस्टर खान ने ये बोला, हमारे गवर्नर के केरला के गवर्नर ने, कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सारा राइट है टू एडवाइज द गवर्नर, बट स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स दैट लोअर द डिग्निटी ऑफ गवर्नर्स ऑफिस कैन इनवाइट एक्शन इंक्लूडिंग विड्रॉल ऑफ प्लेजर। वो बोलते हैं कि मैं मेरी मर्जी से उनको निकाल भी सकता हूँ ये मिनिस्टर्स अगर ऐसी कमेंट करेंगे तो, ये उन्होंने साफ साफ बोल दिया। तो ये यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022 ये पास नहीं करे, गवर्नर उसे अप्रूव नहीं कर रहे, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो मिस्टर बिंदु ने बेसिकली यही सजेस्ट किया था कि आरिफ खान ऐसा है तो रिव्यू के लिए प्रेसिडेंट को दे दे, इसको इनडेफिनेटली विथहोल्ड करने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा बोला था। तो इसके सामने गवर्नर ने ये जवाब दिया। So this is what is happening in Kerala. I hope you guys understood this. Next important news karenge is students losing out on free coaching as Delhi government yet to pay many institutes. Acha aap log ko ye samjhati hu guys kya hai, okay? To ek yojana tha, aap log ko chahiye to ye likh lena guys, ye important hai. Delhi government ka ek yojana banaya tha, Delhi government ne bahar nikala tha, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये 2018 में लॉन्च किया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। और ये योजना का नाम ये है, दिल्ली गवर्नमेंट्स जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ये स्टूडेंट्स जो भी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, इन सब और जिसकी भी एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख है, उन सबको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा टू अवेल फ्री कोचिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, क्लैट बोल लो, लॉ की बोल लो, इंजीनियरिंग की जेई बोल लो, ये नीट वगैरह बोल रहा हूँ, मेडिकल की, ये सब एंट्रेंस एग्जाम जो है, इसके लिए उनको फ्री कोचिंग मिलेंगे फ्रॉम कोचिंग सेंटर्स। ये योजना का ये थीम था, ओके, जो कि एक अच्छा योजना था ऑब्वियसली, बट स्टूडेंट्स को ये नहीं मिल रहा अभी फ्री कोचिंग। 2018 से लेके अभी तक थोड़ा बहुत ये चला, बट फ्री कोचिंग अभी स्टूडेंट्स को मिलना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बोलती है कि हम थोड़ी फ्री में पढ़ाएंगे, वो भी जो भी नॉमिनल पैसा है हम लेंगे, बट गवर्नमेंट से लेंगे वो, भले वो स्टूडेंट्स को फ्री करे, बट वो गवर्नमेंट तो हमें पैसा देनी चाहिए, तो दे आर नॉट पेइंग। सो इसके चलते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने फ्री में पढ़ाना बंद कर दिया है। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द न्यूज़ हियर। गोइंग फर्दर गाइज, गोइंग अहेड, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अमेरिकन हिस्टोरियन कन्फर्ड सर सईद एक्सीलेंस अवार्ड 2022। सर गाइज, ये आपने नाम सुना है कभी? पहले टेल मी दिस, सर सईद अहमद खान, सर सईद अहमद खान नहीं सुना है? अच्छा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तो आई एम श्योर सुना होगा सब लोग ने। सो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे ये, ठीक है। ओ, ही वॉज द फाउंडर सर ऑफ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और उनकी 2005th एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी पे ये उनका सर सईद एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाता है, और ये 2022 में उनकी 205 205वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, जिसके दिन
प्रोफेसर बारबरा मेटकाल्फ को अवार्ड दिया गया. ठीक है, ये हम थोड़ा समझ लेते हैं इस अवार्ड के बारे में गाइस. ओके, तो ये जो थे ना सर सईद अहमद खान, बेसिकली ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी से थे, आपको नाम से ही समझ रहा होगा. इंडिपेंडेंस के पहले ही मुस्लिम्स की हालत बहुत ख़राब थी, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में. ज़्यादा एजुकेशन नहीं मिलता था, ये वो सब बहुत प्रॉब्लम थे. जो सर सईद अहमद खान, उसके लिए काफ़ी इनिशिएटिव लिए, काफ़ी चीज़ें ठीक करने की उन्होंने ट्राई की. इसके लिए ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे ब्रिटिशर्स से भी बात की, और उन्होंने उस टाइम पे फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित की, सो दैट मुस्लिम स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई हो सके. सो उन्होंने अपनी स्पीच में, प्रोफेसर बारबरा मेटकाल्फ को ये अवार्ड मिला ये साल का, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि हिस्ट्री जो है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की, वो अंडर स्टडीड है एंड वो बहुत इसेंशियल है. इंडिया की जब भी स्टोरी बताई जा रही है, जाती है बुक्स वगैरह में, तो ये उनकी मुस्लिम्स की भी स्टोरी बतानी ज़रूरी है, ये सब उन्होंने बोला. तो ये ध्यान में रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट लिख लेना आप लोग. ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज इज प्रिंसिपल्स ऑफ CAA. गाइज, ये CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. आई एम श्योर आप लोग को ये पता ही है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट गाइज. सो बहुत कॉन्ट्रोवर्सी रही है इसके ऊपर अभी तक. पास तो काफ़ी टाइम हो गया, 4 साल होने आए ये पास हुए, बट अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. सॉरी, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक. ओके, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेटरी जो रूल्स वगैरह आने चाहिए वो नहीं आए हैं अभी तक. ठीक है, सो प्रिंसिपल्स ऑफ CAA कैन अप्लाई टू लंकन हिंदू तमिल्स, सेज हाई कोर्ट जज. तो मैं आपको समझाती हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली आया, और इसमें क्या चीज लाई गई जिसको बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल माना गया, मैं आपको समझाती हूँ. तो सिटीजनशिप हमारा जो 1955 का एक्ट था बिफोर अमेंडमेंट, ये भी बोलता था कि जो भी चाहे यू नो कोई भी कंट्री वाले आके इंडिया में रजिस्ट्रेशन के थ्रू और 11 साल एटलीस्ट इंडिया में रहे तो सिटीजनशिप ऑब्टेन कर सकता है. बट यूनिक चीज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये थी, जो भी इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज है, स्पेशली इस्लाम कंट्रीज, ओके, सो अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये दीज आर नॉट सेक्युलर कंट्री लाइक आस, दे आर इस्लामिक कंट्रीज, प्रॉपर इस्लामिक कंट्री. अभी ये है कि इस कंट्रीज में भी काफ़ी माइनॉरिटीज है, मतलब वहाँ की हिसाब से माइनॉरिटीज, मतलब दोज आर नॉट मुस्लिम, मतलब हिंदूज, पारसीज, क्रिश्चियंस, वो लोग जहाँ पे है ये माइनॉरिटीज, उनको उनके साथ अगर खराब बिहेव किया जाता है, बेसिकली उनको परसिक्यूट किया जाता है, ओके, परसिक्यूटेड ये माइनॉरिटीज जो है अगर ये 3 कंट्रीज में, तो वो लोग इंडिया में आके सिटीजनशिप ले सकते हैं और सिर्फ इंडिया में 5 साल रह के उनको सिटीजनशिप मिल जाएगा. ये चीज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था. ठीक है, नाउ दिस न्यूज सेज कि हाईकोर्ट जज जो मदुराई बेंच, सो बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच है, मदुराई बेंच, ये एक केस सुन रहा था, ये कोर्ट एक केस सुन रहा था, तभी हाई कोर्ट के जज ने बोला कि जो CAA के प्रिंसिपल है कि प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को मिलना चाहिए इंडियन सिटीजनशिप, ये तो लंकन हिंदू तमिल्स पे भी एप्लीकेबल होगा. श्रीलंका भले इस्लामिक कंट्री नहीं है, बट वहाँ भी बहुत सारे हिंदू तमिल्स हैं जिनके साथ प्रोसिक्यूशन होता है, उनको अप्रेस किया जा रहा है, तो उन पे भी क्यों ये अप्लाई ना हो. इनफैक्ट उन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं किया, उन्होंने बता ही दिया है कि होना ही चाहिए इन पे भी एप्लीकेबल. ठीक है, सो से दैट देवर द मदुराई बेंच ने बोला देवर द प्राइमरी विक्टिम्स ऑफ रेशियल स्ट्राइफ इन द कंट्री, प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज नाउ हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द इंडियन सिटीजनशिप. तो श्रीलंकन तमिल्स को भी ये अपॉर्चुनिटी क्यों ना मिले, ये चीज इधर बताया गया है. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा नहीं है, हाईकोर्ट जज ने बता दिया है, दे हैव पास्ड इट एज एन ऑर्डर. ठीक है, तो सिर्फ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान पे ना एप्लीकेबल करो, श्रीलंका के तमिल्स पे भी एप्लीकेबल करो, प्रोवाइडेड दे आर प्रोसिक्यूटेड.
ओके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज गाइज, ये तो डेफिनेटली हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज है. न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड. ओके अच्छी बात यह है कि अभी 2 साल तक यही रहेंगे. मतलब जस्टिस यूयू ललित का तो टेन्योर बहुत ही ज्यादा कम था. अप्रैल में एनवी रामना जी, अगस्त में एनवी रामना जी चीफ जस्टिस पोस्ट से गए और नवंबर में यूयू ललित जी का बर्थडे आ गया. तो सिर्फ उनको 2 ही महीने चीफ जस्टिस की पोस्ट संभालने को मिला. तो हमें सिर्फ याद रखना है कि एनवी रामना जी फिर यूयू ललित जी, बट नाउ फॉर 2 ईयर्स डीवाई चंद्रचूड़ जी रहेंगे हमारे चीफ जस्टिस. यूयू ललित जी ने इनका नाम सजेस्ट किया था, बस प्रेसिडेंट को अप्रूव करना बाकी था, जो कि कर लिया है. ठीक है, और यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने ये अनाउंस किया है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 50th चीफ जस्टिस होगा. ये नंबर भी आपको याद रखना होगा और ये इजी हो जाएगा आपके लिए याद रखना, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. आपको केस याद होगा, बिल्किस बानो केस. लास्ट मंथ इसके बारे में काफी न्यूज आ रही थी, हमने बहुत सारी न्यूज डिस्कस भी की थी इसके बारे में. मैं आपको एक क्विक रिविजन करवा दूँ, आई मीन याद रिकैप दे दूँ क्विक. ठीक है, सो ये जो बिल्की बानो केस था गाइस, ओके बेसिकली इसमें जब ही गोधरा कांड और गुजरात में रायट्स हुए थे, उस टाइम पे कुछ लोगों ने 11 अक्यूज है बेसिकली, और उनको कन्विक्ट भी कर दिया गया. नाउ दे आर नॉट अक्यूज, दे आर कन्विक्ट. तो उस 11 लोगों ने मर्डर किए थे, रेप किए थे, ये सब चीज किए थे. तो बहुत सारे लोगों को इसमें बेसिकली अरेस्ट किया गया था. लगभग मुझे याद है तब तक, नंबर इधर तो नहीं दिया हुआ है, बट या मुझे याद है तब तक 42 लोग या ऐसे कुछ अरेस्ट हुए और अब उनकी सबको कन्विक्शन, उनका ऑर्डर पास हुआ सबके अगेंस्ट. उसमें से 11 जो लोग हैं कन्विक्ट है, उनको अर्ली रिलीज दे दिया ओके गुजरात ने. सो यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था इसके लिए, प्री मेच्योर रिलीज बेसिकली दिया 11 प्रिजनर्स को. तो ये बिल्किस बानो केस में बेसिकली रेप प्लस मर्डर सब हुआ था, और इस ये दोनों क्राइम्स जिसने किए वैसे 11 लोगों को प्री मेच्योर रिलीज दे दिया गया है बाय गुजरात गवर्नमेंट. तो ये तो इस चीज को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तो ठीक नहीं है. क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि खुद इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया है कि यू नो 2005 के बाद बेसिकली जो भी इस तरीके से 2005 में ये किया गया था कि ऐसे प्री मेच्योर रिलीज दे सकते हैं, बट जिसमें ग्रीवियस क्राइम्स है लाइक रेप मर्डर वो सब उसमें आता है, तो उसमें नहीं देना है प्री मेच्योर रिलीज, बाकी सब में दे सकते हो. नाउ दिस 11 अक्यूज को इधर जब ये रिलीज किया, उनको प्रीमेच्योर रिलीज दे रहे हैं, तो उसके लिए बेसिस क्या बताया, रीजन क्या बताया कि ये तो 1992 में हुई चीज है. ठीक है, सॉरी 1992, आई एम सो सॉरी, अच्छा 2005 नहीं, सॉरी एक सेकेंड, ये वो 2005 का ही था ओके. बट मैंने ये जो केस था वो 2005 के पहले हो चुका था, इसके लिए पुरानी पॉलिसी इन पे एप्लीकेबल होगी, 2005 की बाद वाली पॉलिसी इस पे एप्लीकेबल नहीं करना है, ऐसा बोल के उनको प्रीमेच्योर रिलीज दिया जा रहा है. तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जेक्ट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चनिंग किया थोड़ा, गुजरात गवर्नमेंट को पूछा इसके बारे में. तो गुजरात गवर्नमेंट ने बोला कि हमें तो भाई, भले वो फेडरल कंट्री है हमारा इंडिया, बट हमें तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है वही हमने किया है. ठीक है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने हमें हाँ बोला है तो इसलिए हम लोगों ने दिया है. ये गुजरात गवर्नमेंट ने मंडे को सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया था. ठीक है, गोइंग अहेड, मैंने पार्ट वन वीकली करंट अफेयर्स पार्ट वन में भी ये वीक के आपको इंटरपोल के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ाया, 2 आर्टिकल्स हमने पूरे पढ़े थे इंटरपोल के बारे में. तो यहाँ इसलिए मैं इंटरपोल अभी डिटेल में नहीं कराऊंगी आपको, गाइस आप वो पार्ट वन देख लीजिएगा. रेड नोटिस के बारे में हमने पढ़ा, इंटरपोल कैसे वर्क करता है, फिर उनका नेक्स्ट समिट दिल्ली में जो हो रहा है, ये सब चीज हमने पढ़ा था वीकली करंट अफेयर्स पार्ट वन में. ठीक है, ये सब मैंने पढ़ाया. इधर सिर्फ ये बात बोली जा रही है, मतलब ये जो दिल्ली में समिट हुआ उस दरमियान इंटरपोल ने ये बोला कि जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है
इसमें इंटरपोल का कोई रोल नहीं है, इंटरपोल उसे कर्ब नहीं कर सकता है। हाँ, जो इंडिपेंडेंट टेररिस्ट ग्रुप्स है लाइक अलकायदा, आईएसआई, ये वो नॉट आईएसआई, आई एम सो सॉरी, आईएस, इस्लामिक स्टेट और अलकायदा और कौन से है, जैश मोहम्मद, ये लोग, ये सारे टेररिस्ट ग्रुप के को कर्ब हम कर सकते हैं, उनके उनको कर्ब करने में हमारा रोल हो सकता है। बट स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, अगर कोई स्टेट ही सपोर्ट करता है सर्टेन टेररिज्म को, तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा रोल उसमें नहीं आता है। जैसे कि इंडिया हमेशा बोलते रहता है कि पाकिस्तान कम्प्लीटली, पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, पाकिस्तान ही पालता है टेररिस्ट लोग, तो इंटरपोल बोलता है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सेक्रेटरी जनरल जुर्गिन स्टॉक, ये भी लिख लेना गाइस, स्ट्रैटेजी के, लेस देन 1% ऑफ इलिसिट फाइनेंशियल फ्लॉज आर इंटरप्रेटेड इंटरसेप्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिप्टोज आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड टू मूव प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। तो फाइनेंशियल फ्लॉज या क्रिप्टो के थ्रू क्राइम जो हुआ है टोटल, वो 1% से भी कम है, ऐसा इंटरपोल ने अपने स्टेटमेंट में बताया था। बस इतना ही जानना है, इसमें ज्यादा नहीं जानना। गोइंग फर्दर, आगे और कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज है क्विकली देखते हैं। देखिए आपको, आई नो थोड़ी देर के बाद होने लगता है अभी मैम कितना बाकी है, कितना बाकी है, एंड सिंस इट्स नॉट अ लाइव सेशन, आई नो आप लोग मुझे पूछ नहीं पाओगे, तो मैं समझती हूँ आप लोग की फीलिंग्स, तो मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ कितने न्यूज बाकी है। सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और यस, इतने न्यूज़ बाकी है, तो कहीं जाइएगा मैं ना, ऑलमोस्ट आप समझे 15-17 मिनट में हमारा ही हो जाएगा सारे न्यूज़, क्योंकि सारे के सारे हमें डिटेल में देखने ज़रूरी नहीं। तो वैसे भी जो ज़्यादा डिटेल में करने थे वो उसको मैंने आगे रखे हुए थे, तो 15-20 मिनट्स मोर एंड विल बी डन गाइज। ओके चलिए, एक रिपोर्ट आया है गाइस, और उसमें ये बताया गया है कि 2005 से लेके अभी तक जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब बहुत सारे रीजंस के वजह से पॉवर्टी, मतलब बेसिकली जिसमें आप बेसिक एजुकेशन नहीं ले सकते हो, बेसिक आपको रहने का सुविधा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी टाइप की पॉवर्टी, बहुत खतरनाक टाइप की पॉवर्टी कंसिडर होती है, राइट, वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इससे 2005-06 से लेके अभी तक 41.5 करोड़ इंडियंस निकल चुके हैं, इतने गंदे वाले पॉवर्टी में से इतने लोग निकल चुके हैं। सो दिस इज अ गुड न्यूज, ये एक अच्छा न्यूज है, ठीक है। सो इंडिया इज बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड एट 22.8 करोड़। क्यों नहीं होंगे गाइज, ये समझो, ऐसा हम लोग को शॉक में नहीं जाना है, वर्ल्ड वाइड हमारा पॉपुलेशन भी सबसे हाईएस्ट है, और इतने कंट्री, चाइना का समझो हाईएस्ट है पॉपुलेशन, बट हमारे से 5 गुना बड़ा कंट्री है और उतना पॉपुलेशन है, ओके, और वो लोग अपने आधे फिगर्स तो निकालते भी नहीं है। तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन और इतनी कम जगह, और उसमें लोगों को खाना नहीं मिलना, सुविधा नहीं मिलना, ये बनता है, ओके, मतलब इतने ज्यादा लोगों को इधर गवर्नमेंट मतलब पाल रही है, इधर है, तो ये बड़ी चीज़ है गाइस, ओके। सो इंडिया इज बाय फार द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल वर्ल्ड वाइड एट 22.8 करोड़, फॉलोड बाय नाइजीरिया एट 9.6 करोड़। देयर वर आल्सो 9.7 करोड़ पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया इन 2019-2021। सो ये फिगर्स है, ठीक है, नाइजीरिया सेकेंड हाइएस्ट है, 9.6 करोड़ कहां, और हमारा 22.8 करोड़ कहां, ठीक है। सो बहुत बड़ा गैप है, ओके, एंड पुअर चिल्ड्रन में 9.7 करोड़ जितना फिगर था 2021 के बीच में, ठीक है। सो ये ध्यान रखना है, ये रिपोर्ट के जो फिगर्स है जस्ट दिमाग में रखो, ऐसा रफली आइडिया रखो, लर्न ऐसे एकदम मगअप नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज PM Modi inaugurates One Nation One Fertilizer Scheme. Okay, so guys, basically PM Modi जो है, इन्होंने ये एक important scheme
इनॉग्रेट की है। अभी मोदी जी खुद, उनका प्रभाव इतना है ना कि वो खुद ही स्कीम्स लाते हैं जिससे लोग उनकी बात समझे, सुने और इम्प्लीमेंट करें। क्या है, आपको इधर फंडा समझाती हूँ, फर्टिलाइजर का। तो गाइस बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज फर्टिलाइज बनाती है और इवन प्राइवेट प्लेयर्स भी है इसमें। तो फार्मर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं किससे खरीदे। अभी गवर्नमेंट कंपनीज कम पैसे में देते हैं ऑब्वियसली, और प्राइवेट कंपनी ज्यादा पैसे में, चलो सस्ता खरीदना चाहते हैं फार्मर्स। बट सभी लोग, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट की भी इतनी सारी कंपनीज है तो किसके पास से खरीदे। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमें सब ये बंद करके वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम एक ही रूफ के अंदर सब लेके आने का, सो दैट मतलब तीन चार समझो गवर्नमेंट की कंपनी है तो सबको मर्ज कर देने का, तो कहीं वेस्टेज नहीं है, कहीं ज्यादा ओवर डिमांड नहीं है, ऐसा कुछ भी ना हो। इसके लिए वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। ओके, सो 600 किसान समृद्धि केंद्र स्टार्ट करेंगे एंड वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम के अंडर। ठीक है, ये एक ध्यान में रखना है। इसमें ये न्यूज में ज्यादा कुछ नहीं, इराक के न्यू प्रेसिडेंट है, ठीक है, अब्दुल लतीफ रशीद, ये आपको बस ध्यान रखना है, दैट्स इट, ये लिख लेना है आपको, प्लीज राइट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज स्टेप अप ग्लोबल एफर्ट्स टू डिफीट क्राइम। ये इंटरपोल की जो समिट हुई ना, इंटरपोल समिट, अभी इतनी चार न्यूज पढ़ ली हम लोग ने ये वीक के ही न्यूज, वीकली करंट अफेयर्स में चार न्यूज अबाउट इंटरपोल। तभी भूलना ही मत कि इंटरपोल समिट ये साल दिल्ली में हुई और काफी सालों के बाद हुई, बट सेकेंड टाइम ऑल टुगेदर इंटरपोल के इतनी सालों की इसमें समिट्स में सेकेंड बार दिल्ली में हुई है। ठीक है, ये 90th कौन सी वाली थी गाइस, 90th इंटरपोल जनरल असेंबली मीट थी, ये आप लोग याद रखना, कौन सी थी 90th, ये याद रख लेना। सो बस उसमें मोदी जी ने ये बोला है कि ग्लोबल एफर्ट्स करेंगे तो क्राइम को हम डिफीट कर पाएंगे, बाकी तो हम इंटरपोल के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, वी नीड नॉट डू इट मोर इन डिटेल। नेक्स्ट वन इज जयललिता'स डेथ गाइस। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है आज का। ओके, दैट इज जयललिता, आप सबको बताया जयललिता कितना लाइक कितनी पावरफुल लेडी थी। ओके, चीफ मिनिस्टर रह चुकी है कितने टाइम तक, तमिलनाडु की, ठीक है। तो इस उनकी डेथ जो हो गई, बेसिकली शी वेंट टू हॉस्पिटल, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, वो हॉस्पिटल गई और हॉस्पिटल जाने के बाद बेसिकली उनको कुछ ओवरडोज दे दिया गया दवाई वगैरह का और उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा माना जा रहा है कि इट वॉज नॉट अ नेचुरल डेथ, इट वॉज अ मर्डर, और उसको लेके एक प्रोब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ओके, और वो प्रोब पैनल जिसने ये इन्वेस्टिगेशन किया उसमें शशिकला को मेन जो फॉल्टी पर्सन है, मेन कल्प्रिट माना गया है। जस्टिस अरुमुघा स्वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी एस्टैब्लिश हुआ फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द ट्रीटमेंट एंड डेथ ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता इन 2016 में शी डाइड। तो उनकी जो क्लोज एड थी वी के शशिकला वो उसमें इन्वॉल्व थे ऐसा पाया गया। उनके डॉक्टर के एस शिवा कुमार, हेल्थ सेक्रेटरी जे राधाकृष्णन एंड फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सी विजय भास्कर, ये लोग फॉल्ट में थे ऐसा माना गया। ये रिपोर्ट खुलेआम ये बता रहा है कि ये लोग का फॉल्ट था ही था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, और डेफिनेटली वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज करेंगे, तमिलनाडु हाउस अर्जेस द इंटर्न नॉट टू इंप्लीमेंट लैंग्वेजेस पैनल रिपोर्ट। तो तमिलनाडु हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, ये चीज़ के बारे में हम पहले भी लास्ट वीक के करंट अफेयर्स में भी न्यूज़ पढ़े हैं गाइस। तो इंडिया की, हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी है, उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि हिंदी लैंग्वेज एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करना चाहिए सभी बड़ी IIMs, IITs, बड़ी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। ओके, तो तब एम के स्टेलिन ने तो सीधा बोल दिया था, मैं तो वॉर्न कर रहा हूँ ये लैंग्वेज वॉर हो जाएगा, ऐसा ना करियो। ओके, ऐसा बोल दिया था एम के स्टेलिन ने। बट तमिलनाडु के अभी हाउस ने भी अगेन रिक्वेस्ट किया है चीज़, लेजिस्लेटिव असेंबली ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि कोई भी लैंग्वेजेस पैनल रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट ना करो, भले पार्लियामेंट्री कमेटी ने दिया है बट आप उसे इम्प्लीमेंट ना करो। ये चीज़ का रिक्वेस्ट के फॉर्म में अभी तमिलनाडु हाउस से सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज
तो हम लोग, मैंने थोड़ी देर पहले जब आपको गवर्नर का, केरला गवर्नर और केरला गवर्नमेंट के बीच में टिफ समझाया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, वेस्ट बंगाल, सब जगह ये झगड़े हो गए हैं, तो ये पंजाब क्यों पीछे रहेगा? सो पंजाब गवर्नर ऑब्जेक्ट्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू वाइस चांसलर ऑफ PAU. तो पंजाब की ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके एक नए वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, मिस्टर पुरी पुरोहित को अपॉइंट किया जा रहा है. तो पंजाब गवर्नर को इससे प्रॉब्लम है. सॉरी, मिस्टर पुरोहित को नहीं अपॉइंट किया जा रहा है, माय बैड गाइस. उन्होंने सिर्फ अनाउंसमेंट की. और सतबीर सिंह गोसल को अपॉइंट किया जा रहा है, जिसमें से गवर्नर ने बोला कि तुरंत उनको निकालो, आई डोंट अग्री विद दिस. सो ये चीज चल रहा है यहाँ भी, ठीक है. यहाँ भी लॉन्ग ड्रॉन टसल है बिटवीन पंजाब गवर्नर एंड बनवारीलाल पुरोहित, दैट इज, एंड आम आदमी पार्टी लेड गवर्नमेंट, भगवान सिंह मान की जो गवर्नमेंट है और बनवारीलाल पुरोहित पंजाब के गवर्नर, इनके बीच में टिफ है, चल रहा है, प्रॉब्लम है. तो मिस्टर पुरोहित गवर्नर ने ये बोला कि वाइस चांसलर जो अपॉइंट किया है सतबीर सिंह गोसल को, इसको निकालो. और उधर ये बोला है कि आप लोग ने फॉलो नहीं किए UGC नॉर्म्स, ओके, एंड अप्रूवल ऑफ द चांसलर जो चाहिए वो लिए बिना वाइस चांसलर को अपॉइंट किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है. नेक्स्ट करेंगे. अगेन देखिए, वन मोर थिंग बिटवीन केरला CM एंड गवर्नर. सो केरला CM मिनिस्टर्स हिट आउट एट गवर्नर फॉर सेक्ट्रल. तो गवर्नर ने तो बोल दिया था, हमने थोड़ी देर पहले ही वो न्यूज़ पढ़ी, कि मैं सबको निकाल भी सकता हूँ अगर ऐसे ज़्यादा कमेंट करोगे तो. तो केरला के CM और मिनिस्टर सब टूट पड़े और बोला कि गवर्नर ऐसे है वैसे है, उन लोग ने भी बहुत कुछ बोल दिया. एनीवेज, वो हम लोग ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं करेंगे. नेक्स्ट वन इज गाइज, दिस न्यूज़ इज इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग GI टैग. GI टैग इज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग गाइज. ये एक टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, IPR राइट है गाइज. आपको समझाती हूँ ये होता क्या है. तो आप लोग ने पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये तो सुना होगा, बट जियोग्राफिकल इंडिकेशन काफी स्टूडेंट्स ने नहीं सुना होता, तो मैं समझा देती हूँ. सो बेसिकली जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब कोई कोई भी प्रोडक्ट, इफ इट इज नोन बाई इट्स ओरिजिन. आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, सीधा आपको समझ में आ जाएगा, वर्ड्स में समझाने की जरूरत नहीं है. दार्जिलिंग टी, तो बहुत सारे टी प्रोड्यूसर्स दार्जिलिंग एरिया में टी प्रोड्यूस करते हैं, बट जिसने पहले दार्जिलिंग टी नाम से रजिस्टर करवा लिया, उनका प्रोडक्ट दार्जिलिंग टी नाम से बिकेगा और पीपल विल नो अरे दार्जिलिंग की टी अच्छी होती है. तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स है दार्जिलिंग के, बट जो दार्जिलिंग टी नाम से बेचते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिलेगा, बिकॉज पीपल विल इजीली एक्सेप्ट कि हाँ ये दार्जिलिंग की टी है. तो इस तरीके से नाम रखना जो उनके ज्योग्राफिकल एरिया से जाना जाता है वो प्रोडक्ट, जैसे कि बनारसी साड़ी, मैसूर सिल्क, कोलापुरी चप्पल, रत्नागिरी रत्नागिरी की मैंगोज. तो इस तरीके से सबको ये टैग्स मिले हुए हैं. तो पहली बार जापान ने हमारी कंट्री में किसी चीज के लिए GI टैग मांगा है. फॉर निहोन शू, ये टाइप का अल्कोहलिक बेवरेज है, ड्रिंक है, ओके, और इट्स नॉट बियर और नॉर्मल टाइप का ऐसा, पर एक लोकल लेवल का, एक सीड्स को सड़ा के जो बनाया जाता है वैसा ड्रिंक है. तो ये जापान में एक्चुअली तो पाया जाता था लाइक ओरिजिनली. तो ये अल्कोहलिक बेवरेज पे जापान ने GI टैग मांगा है, ठीक है, अभी तक ग्रांट नहीं हुआ है, ये सिर्फ मांगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा. तो तीन मेन रॉ मटेरियल यूज होते हैं, राइस, कोजी कीन, टाइप ऑफ लाइक फंगल स्पोर एंड वाटर, ये मिलके ये बनाया जाता है, ठीक है. शी फंगस होता है इसमें, लोग आराम से ड्रिंक करते हैं शिट. नेक्स्ट वन इज हाई कोर्ट सीक स्टेटस ऑफ केरला गवर्नमेंट मूव टू इनैक्ट लॉ अगेंस्ट सुपरस्टिशंस. ओके, सो ये एक न्यूज ये है कि केरला हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच है. डिवीजन बेंच मैंने आप लोग को कल के ही, मतलब जैसे दैट इज वीकली करंट अफेयर्स पार्ट वन में ही समझाया था, टू जज बेंच को हम लोग डिवीजन बेंच बोलते हैं गाइस, ओके. तो उन्होंने ट्यूजडे को स्टेट गवर्नमेंट को पूछा है टू इन्फॉर्म द कोर्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ स्टेप्स टेकन टू इनैक्ट अ लॉ
for preventing and eradicating evil practices including sorcery and black magic. तो हाई कोर्ट ने कुछ केस उनके सामने है, तभी केरला गवर्नमेंट को पूछा है कि सुपरस्टिशंस को लोग ना बिलीव करें या उसके वजह से लोगों को नुकसान ना हो, इसके लिए क्या लॉ बना सकते हो, तो कुछ तुम लोग इस बारे में जवाब दो. तो ये चीज क्वेश्चन पूछा हाईकोर्ट ने केरला को कि आपका आप क्या सोचते हो कि क्या लॉ बना सकते हैं अगेंस्ट सुपरस्टिशंस. एंड ओके और अच्छा 5-6 के बाकी है, हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे सेशन पर खत्म कर देंगे. ये भी ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब ये लॉ मिनिस्टर रिजू ने क्या बोला है कि लगभग हर कंट्री में है ना गवर्नमेंट जजेस को अपॉइंट करती है. ये कोलेजियम सिस्टम जो है ना ये तो ठीक नहीं है, ये ओरिजिनली कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था, ये तो लेटर ऑन 3 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पास हुए जिससे कोलेजियम सिस्टम इतना बन गया, वरना सब सीजेआई के पास प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का पावर था, दैट्स इट. तो और बाकी भी कंट्री में देख लो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है जजेस को, ये कोलेजियम वगैरह ठीक नहीं है, तो कोलेजियम को बेसिकली नहीं रखना चाहिए, ऐसा किरण रिजू ने एक तरीके से बोल दिया. ओके नेक्स्ट वन इज ओके सो कोर्ट के नॉट इश्यू डायरेक्शन टू फ्रेम यूसीसी. यूसीसी गाइस हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में इसे इंक्लूड किया गया है, पर हमारी इंडिया जैसी सेक्युलर कंट्री में ये पॉसिबल नहीं है. ओके सो आर्टिकल 44 में आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, ठीक है. तो अलग अलग उनके शादी को लेके, डिवोर्स को लेके, प्रॉपर्टी को लेके अलग अलग रूल्स होते हैं सभी के, तो कोर्ट कभी भी डायरेक्शन नहीं इश्यू कर सकती कि पार्लियामेंट को कि तुम यूसीसी बनाओ, ये चीज इधर बताई गई है. ओके किसने बताई है ये, गवर्नमेंट ने. कोर्ट कैन नॉट गिव अ मैंडेमस, मतलब एक रिट डायरेक्शन एज अ रिट ऑर्डर. रिट पिटिशन कभी फाइल हुए, फंडामेंटल राइट किसी का वायलेट होता है तभी, तो रिट ऑर्डर के तौर पे कोर्ट डायरेक्शन इश्यू कर सकती है गवर्नमेंट को कि तुम यूसीसी इंप्लीमेंट करो या यूसीसी बनाओ. ये सिर्फ लेजिस्लेचर का ही रोल है इसमें, ऐसा गवर्नमेंट ने बता दिया है, ठीक है. नेक्स्ट इज सेंड अ वेंड अगेंस्ट ओन गाइडलाइंस टू इन रिलीज ऑफ बिल की बानो केस. तो ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो बिल की बानो केस के बारे में बताया, तो खुद की गाइडलाइंस थी जिसके बारे में बात कर रही थी, 2005 वाली गाइडलाइंस एंड ऑल, और उसकी पहले की उसकी बारे में मैं बात कर रही थी, ठीक है. तो वही इधर बताया है. देखिए सो होम मिनिस्ट्री ने खुद ने गाइडलाइंस फ्रेम करी थी कि 12 कैटेगरी की कन्विक्स को नहीं हम प्री मेच्योर रिलीज दे सकते हैं, तो उसमें से रेप अक्यूज को भी नहीं दे सकते, दैट वॉज वन थिंग. तो गवर्नमेंट ने गुजरात गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया कि तुम प्री मेच्योर रिलीज करो, तो ये खुद की ही गाइडलाइंस उन्होंने ब्रेक करी है, ये चीज है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. ओके देन AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्रोडक्शन लाइकली टू बिगिन बाय एंड ऑफ ईयर. तो ये सिर्फ ये न्यूज ध्यान में रखनी है, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप की इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है एट कोरबा इन उत्तर प्रदेश, और ये मैन्युफैक्चर करेंगे AK-203 असॉल्ट राइफल, जो स्टार्ट हो जाएगा ये ईयर के एंड तक. सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट टू डेवलप मॉड्यूल्स ऑन ड्रग अब्यूज दैट कैन रेंडर एज ऑर्डर. ओके तो ड्रग अब्यूज, ड्रग बैनर्स बहुत ये न्यूसेंस जो एक बहुत बड़ा हो गया है, स्पेशली COVID-19 के बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो गया ये, ठीक है. तो कोर्ट का एमिकस क्यूरी, कोर्ट का एमिकस क्यूरी क्या मतलब होता है, फ्रेंड, कोर्ट्स फ्रेंड सेड ओके इन द केस कोर्ट सेट्स हियरिंग फॉर 5 वीक्स फ्रॉम नाउ, कि ये बहुत बड़ा मैनेस हो गया है, इसके बारे में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना ही चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया हुआ है, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स बनाओ ड्रग और अब्यूज को लेके, कुछ रूल्स बनाओ और एक डिसिप्लिन में चीजें ऑर्डर में आनी ही चाहिए. ओके एंड ये लास्ट न्यूज है गाइज हमारे सेशन का. सो पाकिस्तान लाइकली टू बी टेकन ऑफ FATF ग्रे लिस्ट दिस वीक. So FATF is basically Financial Action Task Force. तो ये है ना मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने के लिए बनाया गया है ये टास्क फोर्स, और इनकी है ना दो लिस्ट होती है मनी लॉन्ड्रिंग कर्ब के लिए बनाया गया, इनकी दो लिस्ट होती है ब्लैक और ग्रे.
तो ब्लैक लिस्ट में जो होता है ना उनको बेसिकली वो लोग फुल्ली टेररिस्ट में पैसा डालना, टेररिज्म में और गलत काम में पैसा डालना ये करते हैं, तो उनको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। दो कंट्रीज है फिलहाल ब्लैक लिस्ट में, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया गाइस। तो उनको कभी IMF, वर्ल्ड बैंक, दूसरी कंट्रीज कोई हेल्प नहीं करती है पैसे का। और ग्रे लिस्ट में तो कई सारी कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 24 जितनी कुछ कंट्रीज है। पाकिस्तान काफी सालों से ग्रे लिस्ट में है, अभी तक उनको जो बताया था 21 पॉइंट एजेंडा उनको वो फुलफिल करना था, उसमें से एक मेन वो टेररिस्ट को अरेस्ट करने वाला वो नहीं कर रहे थे, तो अभी फिलहाल तो उन्होंने कर लिया है। तो ग्रे लिस्ट में से वो शायद हट सकते हैं अभी, ये इधर बताया जा रहा है, ठीक है। 2018 फरवरी से वो लोग ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान, तो वो हट सकते हैं कभी अभी नेक्स्ट ये FATF की मीटिंग में। ओके, 20th और 21st को अक्टूबर में दो दिन का सेशन है, उसमें अनाउंस किया जाएगा क्या होता है। तो बेसिकली नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स में आपको पता चल जाएगा। एंड या गाइस, वी आर डन विथ ऑलमोस्ट ऑल आर इम्पोर्टेंट न्यूज़। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू एवरीवन। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।